हैं, वो लोग जिनको सिर्फ वाराणसी की जनता ने टीवी पे देखा है मैच खेलते हुए, अगर उनको वो प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वाराणसी की जनता आज इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शायद धन्यवाद दें। लेकिन इतना जरूर है कि सांस्कृतिक महोत्सव के साथ साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने कामकाज के साथ साथ खेलों को कैसे बढ़ावा देते हैं इससे भी पता चलता है कि आज वो एक ऐसे स्टेडियम का उद्घाटन करने जा रहे हैं जो विश्व स्तरीय हो, और आने वाले दिनों में हो सकता है जल्द ही जो है आपको वहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस देखने को मिले, आईपीएल के मैचेस देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा भी होगा क्योंकि इस तरीके का स्टेडियम बनाया गया है जो इंटरनेशनल सुख सुविधाओं से पूरी तरीके से लैस हो, वो चीज़ें हैं जो एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम के अंदर है। तो हो सकता है जल्दी ही यहाँ पर आईपीएल के मैचेस और इंटरनेशनल मैचेस आपको देखने को मिले। और सबसे पहला कार्यक्रम क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, चूंकि उनका आगमन हो चुका है हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ से शुभारंभ कहाँ से होने वाला है, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ शिलान्यास या फिर क्या सौगात देने वाले? देखिए सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अटल आवासीय योजना का शुभारंभ करेंगे, और वहीं पर एक साथ जो है 1561 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका भी जो है शुभारंभ करने और शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। कई योजनाओं की शुरुआत होगी और कईयों का उद्घाटन होगा, तो कहीं ना कहीं पहली शुरुआत और उसके बाद सीधा जो है वाराणसी में जो क्रिकेट का स्टेडियम बना है उसमें जाएँ, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है। ठीक है मानशु, बहुत